पुलिसकर्मी भी यहां पर घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को अस्पताल में फिलहाल भर्ती किया गया है। बहजोई के गांव प्रतापपुर का एक पूरा मामला बताया गया है। संभल बहजोई रोड पर प्रतापपुर क्षेत्र में एक अपराधी की सूचना मिली थी जिसकी घेराबंदी की गई थी, उसको रोकने का इशारा किया गया तो उसने पुलिस पर फायर किया जिसमें हमारा एक कांस्टेबल चंद्रशेखर घायल हुआ और ये अपराधी एक घायल हुआ। दोनों को हॉस्पिटल भेजा गया है। अभी जब इसकी शिनाख्त पहचान की गई तो इसके बारे में जानकारी मिली है कि ये अपराधी सुलेमान नाम का है जो 15,000 का इनामी। संभल से एसपी जमुना प्रसाद जी वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत भारत समाचार में। सर, गिरफ्त में लिया आपने एक बदमाश को, इसके पास से क्या कुछ जानकारी अभी तक तो आपको हासिल हो पाई? ये अपराधी एक सुलेमान नाम का है जो लगातार इस क्षेत्र में लूट और नकबजनी की घटनाएं करता था। सीएसएक्स के मुकदमे है, लगभग एक दर्जन से ज्यादा मुकदमे हैं इसके ऊपर और लगातार अपराध करता रहा। कल इसके बारे में जानकारी मिली थी, इसकी घेराबंदी की गई थी तो जिसमें ये पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ, एक हमारा सिपाही भी घायल हुआ है। सभी को हॉस्पिटल भेजा गया है और एक का एक साथी मौके से फरार हो गया था जिसकी कॉम्बिंग की जा रही। बिल्कुल सर, देखिए यमुना प्रसाद जी, ये बदमाश आपकी गिरफ्त में एक फरार है, क्या और लोग भी इसके गिरोह में शामिल थे? हाँ जी, कई लोग इसके शामिल है, पूरा गैंग बना के काम करता। पहले भी इसके कई अपराधी साथी जेल जा चुके हैं और जो बचे हैं उनको भी जेल भेजा जाएगा, जल्दी भेजा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया यमुना प्रसाद जी इन तमाम जानकारियों के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे सहयोगी सुनील जुड़ चुके इस खबर पर अब ज्यादा जानकारी के साथ। सुनील का एक बार रुख कर लेते हैं। सुनील, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन अब कहां तक पहुंच चुकी है आगे, क्योंकि एक बदमाश फरार हो गया है? शिवांगी, मैं बताना चाहूंगा कि ऑपरेशन क्लीन यूपी पुलिस का जारी है। इसी देर रात प्रभारी निरीक्षक रविंद्र प्रताप सिंह गश्त पर थे तभी सूचना मिली कि दो बाइक्सवार बदमाश इधर से होकर निकल रहे हैं। पुलिस टीम ने जैसे उनको टोका, टोकने पर दोनों ओर से फायरिंग की गई और जवाबी फायरिंग में एक पुलिसकर्मी और एक बदमाश घायल हो गए जिसको गिरफ्तार कर लिया गया। 15,000 का इनामी है, गैंगस्टर एक्ट में वांछित था। और दूसरा जो आरोपी है जो फरार है, मौके के देखे हुए फरार हो गया था, उसकी तलाश पुलिस कर रही है लेकिन शीघ्र गिरफ्तार करने का दावा कर रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील इन तमाम जानकारियों के लिए आपका। ललितपुर से अगली खबर आपको